हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम मोहम्मद मिराज है, मेरे चैनल का नाम टेक्निकल स्किल ब्लॉग है। तो आज का टॉपिक हमारा अल्फात कंपनी के बारे में है, अल्फात कंपनी के ऊपर है जो सऊदी में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग बता दूँ, कुछ मेरे चैनल पे बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बहुत बिजी था काम में। अभी थोड़ा सा फ्री, अभी भी बिजी रह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप लोगों को जो है मैं एक वीडियो सोचा बना दूँ, क्योंकि एक भाई का कमेंट है, अजीम जफर अजीम करके एक भाई है जो कमेंट किए हुए हैं कि भाई मुझे कंफर्म करना है कि ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं है। भाई कंपनी फ्रॉड नहीं होती है, कंपनी के नाम पे आपका एजेंसी फ्रॉड करता है। जिस आप मेन पावर एजेंसी से काम करा रहे हैं आप उसको चेक कीजिए, कंपनी तो यहाँ हजारों पड़ी हुई है। अल्फात कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है भाई, यहाँ की अच्छी कंपनी है और जाना माना कंपनी है। तो उसके नाम पे उसका कोई भी वैकेंसी निकाल करके आपको उसके नाम पे फ्रॉड करेगा, तो गलती कंपनी की नहीं होती है भाई, गलती एजेंसी की होती है। तो आप लोग जो है एजेंसी को चेक कीजिए कि एजेंसी आपका फ्रॉड तो नहीं है। आपका एजेंसी फ्रॉड होगा, यहाँ पे बहुत से हजारों कंपनी है, अल यमामा है, सराको है, अल्फाहद है, अल्फरास अफरास है, अल अहमदी नया कंपनी है, वो भी अभी जो है मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट बहुत सा ले रहा है। तो ये सब कंपनी के नाम पे अगर कोई आपको फ्रॉड कर रहा है तो वो वहाँ का मसला है, यहाँ का मसला नहीं है। आप किसी भी कंपनी के बारे में अगर सर्च करेंगे जो जेन्युइन कंपनी है, आपको गूगल पे जो है आप सर्च करेंगे आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो आप अगर इस तरह से आप सर्च नहीं कर सकते, इस तरह से आप किसी कंपनी के बारे में जान नहीं सकते हैं, ठीक है। आप अपने एजेंसी के बारे में जानिए, जो एजेंसी आप जिस एजेंसी से आप काम करा रहे हैं, जिस एजेंसी आपका काम कर रहा है वो जेन्युइन है कि नहीं है, वो जेन्युइन आपको वहां पे इंटरव्यू ले रहा है कि नहीं, इंटरव्यू कैसे ले रहा है, क्लाइंट इंटरव्यू ले रहा है या ऐसे ही सीवी लेकर के सीवी सिलेक्शन कर रहा है। तो भाई सीवी सिलेक्शन में बहुत से जगह पे जो है फ्रॉड होता है, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। सीवी सिलेक्शन कर लिया यहाँ से कोई, देखिए बहुत से जगह पे, अभी पहले कोरोना था तो लोगों का सीवी सिलेक्शन वगैरह हो जाता, कोरोना में काम नहीं होता, अभी कोरोना खत्म हो गया, अभी ज्यादातर जो है क्लाइंट जा रहा है इंटरव्यू ले रहा है। और अल्फात कंपनी के बारे में आपको बता दूं कि अल्फात कंपनी यहाँ पे है, मेंटेनेंस की काम करती है, उसका भी कितना ग्रुप है, उसका भी कितना ग्रुप है, वो फूड कंपनी, फूड सप्लाई जो करती है, फूड डिलीवरी का जो काम अभी गया हुआ है, इसके बारे में हमको एक्चुअली जानकारी नहीं है इस कंपनी के बारे में। हो सकता है कि हो, ऐसा नहीं है कि नहीं हो, लेकिन देखिए आपका अगर एजेंसी जेन्युइन होगा, आप एजेंसी के बारे में पता कीजिए, तो जो वैकेंसी है वो भी जेन्युइन होगा। आप यहाँ कंपनी पे आप गूगल पर सर्च करोगे आपको नंबर मिल जाएगा, आप कंपनी में फोन करके बात कर सकते हो कि भाई आपका जो यहाँ पे इंडिया में जॉब चल रहा है, यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है इस कंपनी के बारे, इस जॉब के बारे में आप लोगों को डिटेल्स दे सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आप लोग इस तरह से सर्च कीजिए, आपका अगर एजेंसी अगर परफेक्ट है, जेन्युइन है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो भाई इस तरह से फ्रॉड करने वाले बहुत लोग हैं, बड़े बड़े कंपनी का नाम लेकर के एजेंसी वैकेंसी निकाल देते हैं, आपसे इंटरव्यू लेते हैं, आपका पासपोर्ट लेंगे, आपका पैसा लेंगे, बाद में ये भी बोल देते हैं कि भाई जॉब जो है खत्म हो गया, ये जो है स्टॉप कर दिया कंपनी, ये नहीं चाहिए, गेम फेल हो गया, ऐसा भी होता है, इस नाम पे भी फ्रॉड होता है। तो फ्रॉड का बहुत से सारे तरीका है भाई, आप इस तरह से फ्रॉड को पता नहीं कर सकते। आप यहाँ का एड्रेस लेकर के आपका यहाँ आ जाओगे, यहाँ के एड्रेस लेकर के नहीं आ सकते ना। तो आपको जो भी पता करना है आप इंडिया में ही पता कर सकते हैं, इंडिया में हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं आप अपने कंट्री में ही पता कीजिए। आपको ज्यादा से ज्यादा अगर डाउट है तो आप एम्बेसी में जाकर पता कर सकते हैं, अगर आपका वीजा लग गया हो। अगर वीजा लग गया, आज देखिए सऊदी का वीजा आप लग नहीं रहा, आप सऊदी का एक पेपर मिल रहा है उस पर बारकोड होगा, आप वो ले जाकर के एजेंसी में पता कर सकते हैं कि आपका ओरिजिनल है कि नहीं। क्योंकि फ्रॉड करने वाला पहले बहुत से तरीका है फ्रॉड करने का भाई, आपको आप डुप्लीकेट भी दे सकता है, नाम वो एडिट कर करके वो पेपर दे सकता है। आपको अगर किसी तरह का भी डाउट है तो आप जाके सऊदी एम्बेसी में पता कर सकते हैं, आप वीजा दीजिएगा, आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कि जेन्युइन है कि नहीं है। अगर वीजा नहीं मिला है तो भाई अपने एजेंसी को पहले चेक कीजिए, किसी भी एजेंसी से काम कराने से पहले हजार बार एजेंसी को चेक कर लिया कीजिए कि एजेंसी आपका सही है या नहीं है। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का एक इन्फॉर्मेशन के साथ, आपको अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। आप जो भी इस चैनल पर नया आ रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर लिया कीजिए मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट किया कीजिए।